गाइस ये देखो भाई साहब, एक चोर और एक पुलिस वाला दोनों आपस में भिड़ गए हैं। मतलब क्या गाइस, ये गुंडा मुझे मारने आया था और पुलिस वाला भी मुझे मारने आया था, लेकिन अभी आपस में खुद लड़ रहे हैं। अच्छा है भाई साहब, दो दो को मैं कैसे मारता, कोई एक मर जाए ना तो फिर एक बचेगा, उसको मैं मारूंगा। ठीक है चलो, तब तक ना हम लोग इनकी सिंगल फाइट देखते हैं। हाँ भाई साहब, मैं क्या बोल रहा था गाइस, अगर कभी भी आप लोगों को रो पीरो वाइस टोन में हॉन्टेड वीडियो का नाम आता है तो आप लोगों को याद आता है ये खतरनाक घर है ना। इसके अलावा अपने रो पीरो वाइस टोन में और कोई प्लेस नहीं है जो कि हॉन्टेड है। लेकिन गाइस आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक हॉन्टेड गांव दिखाने वाला हूँ जो कि यार गाइस सदियों से बंद है। हाँ तो आज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। अरे भाई साहब, गुंडे को मार दिया क्या इसने, पुलिस वाला रह गया है। चल पुलिस वाले निकल ले तेरी भैंस की आंख। तो चलो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। पुलिस का एक स्टार तो अपने पीछे लगा हुआ है, अब मुझे चाहिए एक व्हीकल जिस पर बैठ के मैं यार गाइस यहाँ से निकल लूँ। ठीक है वेट करते हैं, शायद कोई व्हीकल अपने को मिल जाए। थाना में ना गाइस कोई व्हीकल खड़ा होगा, हम लोग चलते हैं वहां पे। और ये हम लोग पहुंच गए, भाई साहब पुलिस की कार खड़ी है, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं और जल्दी से इसमें बैठते हैं इससे पहले कि भाई साहब कोई पुलिस वाला आके अपने कोई बस्टेड वस्टेड ना कर दे। ठीक है तो निकल लो गाइस, आज पूरा का पूरा सिटी दिखाऊंगा जो कि सालों से बंद है, क्योंकि यार गाइस वो एरिया हॉन्टेड है। लेकिन अब सिर्फ वहां पर ना रोड चलते हैं, मतलब कि रास्तों से गाड़ियां गुजरती हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन वो भी पता है क्या, रात को नहीं गुजरती हैं दिन में गुजरती हैं, क्योंकि यार गाइस प्रॉब्लम हो सकती है ना वहां पे भूतों की इस वजह से। तो भाई साहब आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिटी दिखाऊंगा, वो जहां पर अगर बारिश होती ना तो कहा जाता है उस इलाके में कोई नहीं जाता। आज हम लोग उधर जाएंगे। अरे हाँ एक बात तो मैं भूल ही गया गाइस, हर एक यूट्यूबर का ख्वाब होता है कि उसके 1 मिलियन हो। अब अपने 1 मिलियन में तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, लेकिन अपने 4 लाख सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं ना, तो 5 लाख करा दो भाई साहब, मतलब कि आधा मिलियन। अब गाइस अपने को जल्दी से पहुंच जाना है आधे मिलियन पे। 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए ना अपने, तो अपना आधा मिलियन हो जाएगा। तो जल्दी से जाओ गाइस, क्या कर रहे हो, क्लासिक गेमर्स की आर्मी को ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके। अरे ये क्या भाई साहब, ये रास्ते में किसकी फाइट चल रही है, अरे बाप रे ये क्या चल रहा है इधर। अरे अब मैं यहाँ से आगे कैसे गुजरूँ, लगता है इधर से अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके भाई साहब, ये 2 मिलिट्री सोल्जर और एक गुंडा आपस में लड़ रहे हैं। चलो ठीक है अपना क्या, अरे बेचारे गुंडे को मार दिया इन लोगों ने। चलो ठीक है हम लोग निकलते हैं, शायद इनकी आपस में अपनी कोई लड़ाई हुई हो इस वजह से एक दूसरे को मार रहे हो। वैसे यार गाइस मैं नोट कर रहा हूँ कि आजकल वाइस टाउन में जो क्राइम है ना वो अपनी पीक पर है, ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग बताओ गाइस मैं सही बोल रहा हूँ ना, सही तो वैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार गाइस अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा पुलिस वाला गुंडे से लड़ रहा था, अभी 2 मिलिट्री सोल्जर एक लड़के को मार रहे थे। तो यार भाई साहब इनके ना कॉम्पिटिशन आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ की ना तो पुलिस अच्छी है और ना तो मिलिट्री, ना ही गुंडे, सिर्फ और सिर्फ रो पीरो अच्छा है। अगर आप लोग इस बात से मतलब के क्या बोलते हैं भूल गया, चलो ठीक है, अगर आप लोग गाइस ये बात मेरी ठीक लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है आई मीन अगर आप लोग इस बात से एग्री हो तो ज़रूर बताना। तो भाई साहब चलो हम लोग आगे कसिनो से पीछे, क्योंकि गाइस हम लोगों को बोट पर बैठ के जाना है ना सिटी के एरिया में। हाँ अच्छा मैं तो ये बताना ही भूल गया कि यार गाइस वो जो हॉन्टेड सिटी है ना, हॉन्टेड गाँव, वो पता है किधर है, अपने स्लेविक सिटी की तरफ। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा। चलो आप लोग चल के वहीं पर देख लेना, अगर आप लोगों को मेरे पर यकीन नहीं है, अपने भाई क्लासिक गेमर्स पर नहीं है। चलो ठीक है, ये मारा मैंने एक जंप और ये हम लोग बैठे अपनी बोट पर, और अभी यार गाइस हम लोग निकल चुके हैं। वैसे यार गाइस बोट चलाने में ना मज़ा आता है, हेलीकॉप्टर जो है ना उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब कि यार गाइस वो हवा में होता है ना तो थोड़ा सा डर लगता है, समझ रहे हो ना आप लोग। बाकी बोट तो ज़मीन पर पानी में चल रही है और पानी यहाँ का इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं है, और रो पीरो तो एक अच्छा स्विमर भी है, तो अपने को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी हम लोग स्लेविक सिटी पहुँचेंगे 2 घंटे में, लेकिन आप लोगों को गाइस 2 मिनट का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से स्लेविक सिटी रो वाइस टाउन में। तो भाई साहब हम लोग अपने स्लेविक सिटी में तो आ ही गए थे, लेकिन अब मसला कुछ ऐसा है कि यार यहाँ पर मैं आया गेम खेलने के लिए, देख रहे हो हॉन्टेड स्ट्राइक और उसके बाद स्पार्टा हीरो 3 और उसके बाद नीड फॉर ड्रिस्ट। अरे कैसे कैसे गेम है ये उल्टे सीधे, हॉन्टेड स्ट्राइक ट्रैक्टोनिक, अरे गेम चेक करो बस भाई साहब, तुम्हारी भैंस की आंख साले हो।
तो यार गाइज यहाँ पर ना ये मुझे चलाने नहीं आ रहे थे, वरना यार हम लोग भी यहाँ पर GTA 5 खेलते। GTA 5 ना गाइज वैसे है नहीं, चलो मैं अपने दोस्त को जरूर बोलूँगा, वो कुछ करवा देगा इसका, ठीक है। तो अभी चलो अपने को जाना है हॉन्टेड गांव। अब क्या करें, इस वैन में जाएं? मैं ये सोच रहा था कि यार गाइज वैन चल पाएगी वहाँ तक? हाँ चल तो जाएगी यार भाई साहब। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से इसमें बैठते हैं। और अगर गाइज आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार गाइज आप लोग ना सब्सक्राइब भी करते हो और कमेंट भी करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ये मैंने नोट किया है भाई साहब। तो जल्दी से जाओ यार वीडियो को लाइक भी कर दो। अभी उस गांव का रास्ता ना मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे मैं पहले गया था ना, अब मैं वैसे ही जा रहा हूँ। ये फैक्ट्री है अपनी, ठीक है, इसके ग्राउंड के उस तरफ से मैं निकला था। अब जैसा रास्ता मुझे याद है वैसा वैसा करते हुए हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है भाई साहब। और यार यहाँ पर बस रात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मैं उस गाँव में रात को रहूँ, समझ रहे हो ना गाइस आप लोग मेरी बात को। तो बस ठीक है, तो अभी जो है ये आ गया मिलिट्री बेस, ठीक है। मैं ना गाइस मिलिट्री बेस से भी आगे गया था मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, हम लोग उधर पहुंचते हैं पहले तो। ओके अब और कितना आगे जाना था ये याद नहीं है। अरे यार एक प्रॉब्लम ये है कि यार गाइस यहाँ पर ना ये नहीं पता चलता कि आगे क्या है, अभी आगे धुंध है, ठीक है, तो पता ही नहीं चल रहा कि यार गाइस आगे क्या है क्या नहीं है। हाँ ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है रे भाई साहब। अब तो यार यहाँ पर आगे कुछ नहीं था, चलो मैंने यहाँ से आगे टर्न ले लिया, अब किधर जाऊँ मैं? अरे भाई साहब भूल तो नहीं गया मैं जगह? चलो ठीक है कोई नहीं, हम लोग तो वैसे ढूंढ लेंगे उस गांव को। हाँ है यार गाइस यहीं पर करीब सा कोड़ा। तो अभी एक काम करते हैं यहाँ से ना हम लोग रिवर्स करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गांव को मैंने पीछे ही छोड़ दिया। अरे भाई साहब अभी इसको लात मारनी पड़ेगी। अरे ये अभी हट ही नहीं रही है। अरे हट जा भाई साहब, अपनी वैन को हटाऊँ, कुछ कोशिश करते हैं हम लोग। अरे हट जा तेरी भैंस की आँख, हट जा रे, इतनी बड़ी है तू सांड जैसी, तेरा मैं क्या करूं। और ये पीछे से ये कौन आ रही है, दादी माँ अपनी बुलेट बाइक लेके। चलो ठीक है बुलेट तो मिल गई, अब चलो अब ये स्पीड में भागेगी ना, तो हम लोग स्पीड में पहुंचेंगे। हाँ ये अच्छा हुआ कि अपने को बाइक मिल गई रे। तो ठीक है अब यहाँ से ये किधर जाना था अपने को, ये क्या कर रहा था मैं भाई साहब, मिलिट्री बेस के अंदर घुस रहा था अभी मैं। हाँ वहाँ लग जाती अपनी तो, हाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती भाई साहब, लेकिन बच गए। तो अभी चलो देखते हैं हम लोगों को किधर जाना है गांव का ना गाइस। यार रास्ता जो है ना मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन अब तो अपने पास बुलेट बाइक है ना, तो हम लोग बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को, नो प्रॉब्लम। ये देखो एक तो यार गाइस ये बुलेट बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट है, अपने रोपिरो वाइल्डस्टोन वाली जो बुलेट बाइक है ना, लग रहा है कि यार वो नकली है, बिल्कुल बेकार सी है। हाँ अब लग रहा है मुझे, क्योंकि यार गाइस ये इतनी धमाकेदार सी स्पीड में चल रही है कि यार मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, इसका तो जवाब ही नहीं। हाँ ये तो लाजवाब है। तो अभी वो गांव किधर था यार, ये तो आज गलत हो गया, अब मैं वहां पर उस गांव को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ यार, ये बहुत ही गलत हो गया। किधर था किधर था, ये तो पानी आ गया। अरे भाई साहब ये मैं किधर आ गया हूँ? ओके अरे 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 अब ये क्या करें हम गाइस, इधर तो पानी है। चलो ठीक है अब यहाँ से हम लोग आगे चल लेते हैं, ठीक है। ओ भाई साहब जंपर प्लेट पे आ गए हम लोग, तो बाइक भी गई और अपना बंदा भी गया। अरे अब क्या करें, चलो ठीक है हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ लेते हैं जल्दी से। अरे भाई गंजे को यार स्विमिंग आती भी है या नहीं आती है? रोपिरो को तो बहुत ही अच्छे से आती थी, हाँ मुझे नहीं लगता कि इसको आती है, इतना स्लो है साला इसकी भैंस की आँख। अरे ये क्या कर रहा है भाई साहब तू? ओके गाइज ये क्या दिक्कत हो गई है? ओके अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल आए, लेकिन समंदर के बीच किनारे में, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यार गाइज, यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से निकलता हूँ और गांव की तरफ जाके पहुँच कर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार गाइज हम लोग यहाँ पर फंस गए ना, तो चलो वहाँ पर मिलता हूँ मैं आपसे। तो यार गाइज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही बाद में पानी से निकला और मुझे ये कार मिल गई, थैंक गॉड। और ये देखो ये है रास्ता उस गांव का, अभी आप लोग देख रहे हो ना पूरी की पूरी रोड खाली है, यहाँ से ना बस गाइज सिर्फ और सिर्फ काम के लोग जो होते हैं ना वो गुजरते हैं, वो भी सिर्फ दिन में, रात में यहाँ से गुजरने की किसी की हिम्मत नहीं है। देख रहे हो ये बहुत ही पुराना गाँव है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। अरे मैं आप लोगों को, रुक जाओ हालत दिखाता हूँ यहाँ के घरों की, एक मिनट, 1 2 3 ये देखो भाई साहब ये घर की हालत देखो, ये किसी ज़माने में यहाँ पर लोग रहते होंगे रे भाई साहब। ये देखो अंदर से इसकी हालत देखो, छत देखो बेचारे के फ्रेम गुम हो चुके हैं। हाँ गाइस यहाँ पर ना ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर वाले घर हैं जो कि यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, मैं भी यार गाइस यहाँ पर नहीं आता हूँ। देख रहे हो आप लोग ये बहुत ही बड़ा गाँव है,
मतलब कि इसके चारों तरफ तो जंगल है वैसे, और चारों गोल गोल रास्ते से ना यार गाइस यहाँ पर रोड गुजरती है, ये देख रहे हो आप लोग खुद ही। तो ये है इतना बड़ा गांव जहाँ पर हर एक घर हॉन्टेड है, कोई एक नहीं सारे घर सारे। तो भाई साहब अब चलो यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए अपने लिए। तो गाइस आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।